हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इन टुडेज वीडियो वी विल आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यूजिंग इंस्टाट्रेड FNO फीचर ऑफ एंजल वन। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए चलते हैं एंजल वन की एप्लीकेशन में। हम एंजल वन की एप्लीकेशन के होम पेज में आ चुके हैं। इंस्टाट्रेड FNO के ऑप्शन के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, देन यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हम सेम विंडो पे चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंडल स्टिक को यूज़ में ले सकते हैं, और तो और अपने फेवरेट इंडिकेटर को भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी पोजिशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी आप सेम विंडो पे देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी स्टॉक या शेयर का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी ने आज लास्ट ट्रेड लिया है 17,557 में। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को सेंड कर रखा है, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 17,476 का, एंड हमारा सेकंड सपोर्ट का लेवल है 17,390 का, एंड हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल है 17,301 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस है 17,605 का, एंड हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 17,694 का, एंड हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है 17,779 का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी के मार्केट में गैप अप ओपनिंग के बाद हमारे पहले सपोर्ट के लेवल जो कि 17,476 के लेवल से एक करेक्शन करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ हम 17,557 के लेवल से एक हल्का सा रिजेक्शन करता हुआ दिख रहा है। इनकेस कर की रेट में अगर गैप अप ओपनिंग होती है निफ्टी के मार्केट में, देन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा 17,605 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 17,694 का, और इसके साथ हमें निफ्टी के मार्केट में बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। और इनकेस अगर मार्केट में कल की डेट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 17,476 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे की तरफ सस्टेन कर जाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का हो जाएगा 17,390 का, और इसके साथ हमें निफ्टी के मार्केट में बेयरिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। ये तो बात हो गई निफ्टी की, चलिए अब हम बैंक निफ्टी को चेकआउट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए मैं इस बैंक निफ्टी में टैप करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। बैंक निफ्टी ने आज लास्ट ट्रेड लिया 41,008 पे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पर साइन कर रखा है, जिसमें हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है 40,807 का, देन हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल है 40,552 का, देन हमारा तीसरा सपोर्ट का लेवल है 40,326 का। साथ ही साथ हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल है 41,072 का, एंड हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 41,338 का, और हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे 41,599 का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का मार्केट हमारे पहले सपोर्ट का लेवल जो कि है 40,807, एंड हमारे पहले रेजिस्टेंस के लेवल जो कि है 41,072 के बीच ही कंसोलिडेट किया है। इन केस कल के डेट में अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है, देन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल हो जाएगा 41,072 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा 41,338 का, और इसके साथ हमें बैंक निफ्टी के मार्केट में बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। और अगर मार्केट में कल के डेट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, देन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 40,807 का, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके और नीचे की तरफ सस्टेन कर जाता है, देन हमारे लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल हो जाएगा 40,552, और इसके साथ हमें बैंक निफ्टी के मार्केट में बेयरिश ट्रेंड बनता हुआ दिख सकता है। किसी भी स्टॉक या शेयर को बाय करने से पहले उसका कंप्लीट एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड बुलिश जा सकता है, देन आप बाय कॉल करें। इन केस अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड बेयरिश जा सकता है, देन आप बाय पुट करें। कॉल बाय करने के लिए मैं बाय कॉल के बटन पर क्लिक करूँ, देन यहाँ आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू के बटन में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आपको एंटर लॉट टाइप करना होगा, जितना भी लॉट आपको लेना वो आप टाइप करेंगे। मुझे एक लॉट लेना, मैं एक टाइप करूँगा। उसके नीचे आपको लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जिस भी ऑर्डर में आपको लेना उसमें आप टॉगल को रख के आगे प्रोसीड करेंगे। मुझे लिमिट में लेना है, मैं लिमिट पर रख के आगे प्रोसीड करूंगा। उसके नीचे आपको बाय का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करूंगा। यहाँ कंफर्म बाय, कंफर्म में आप जैसे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी तक आपने एंजल वन की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करें।